हरे कृष्णा। श्री कृष्ण के भगवान के अवतरण के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे हैं। श्री कृष्ण की लीला जो है वो उनके भक्तों के बिना नहीं हो सकती है। वो अगर लीला पुरुषोत्तम है तो लीला पुरुषोत्तम है क्योंकि वो उनके भक्त हैं। भगवान कभी भी अकेले रहते नहीं हैं, हमेशा अपने भक्तों के साथ घिरे रहते हैं। जब गौलोक में रहते हैं तब भी भक्तों के साथ रहते हैं, जब अवतरित होते हैं पृथ्वी पर या और कहीं लोक पर वहाँ पर भी वो भक्तों के साथ रहते हैं। उनकी जितनी भी सुमधुर अद्वितीय अचिंत्य लीलाएँ हैं वो सब उनके भक्तों के सहारे ही प्रकट हो जाती हैं, परिपूर्ण हो जाती हैं, संपन्न हो जाती हैं। हम सब लोगों को ये भाग्य है कि भगवान के भक्त हैं, इसलिए हम सब लोगों को भगवान की लीलाओं का दर्शन हो रहा है। अगर भगवान के भक्त अगर इस पूरे नाटिका में महोत्सव में नहीं होते तो भगवान अकेले कैसे लीला करते हैं? और ये भक्त जब भगवान की लीला संपन्न करने में सहायता करते हैं तो बहुत सारी गहरी गहरी शिक्षाएँ भी देते हैं। भगवान की लीला, एक लीला अगर आप लेंगे तो उसमें भी आपको अनंत शिक्षाएं, अनंत साक्षात्कार और दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए हम विचार करते हैं आज वसुदेव जी के बारे में। क्या उनका भाव था, क्या चरित्र था उनका, कैसे व्यक्तिमत्व थे? वो राजपुत्र थे, वो शूरसेन के पुत्र थे, हर प्रकार से ऐश्वर्य संपन्न होना और सुखी होना उनका अधिकार था। लेकिन भगवान के भक्त का जो जीवन है, किसी भी भक्त का जीवन कभी भी सरल नहीं होता है। उनका भाव सरल होता है लेकिन उनकी जीवन की घटनाएं बड़ी कष्टमय और पीड़ामय घटनाओं से भरी होती हैं। उनका जीवन पूरा ऐसे ही अनगिनत चुनौतियों से भरा होता है। अब देखिए, विवाह होता है, गर्ग मुनि आते हैं, अच्छा विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, देवकी जैसे सुंदर सद्गुण संपन्न कन्या से विवाह होता है, कितने आनंद की घड़ी है। लेकिन वसुदेव के बारे में विचार करेंगे तो उनके विवाह के दिन ही जब बारात जा रही है विवाह होने के पश्चात, तब खुशी की बात है कि जो पत्नी का भाई है बड़े प्रेम से, बड़ा शक्तिशाली है, बड़े प्रेम से वो रथ हाँक रहा है, कितनी खुशी की बात है। लेकिन अचानक सब कुछ मामला बिगड़ जाता है, आकाशवाणी होती है और नवनिर्वाचित नवविवाहित जो वधु है उनकी, उनके बाल पकड़े जा रहे हैं, तलवार खींची जा रही है उसके गर्दन काटने के लिए। आप विचार कीजिए कि देवकी के पति जो वसुदेव हैं उनका चरित्र कैसा है। जो व्यक्ति संकट के समय भी मन का संतुलन नहीं खोता है उसी को महात्मा कहते हैं, महानता उसी को कहते हैं जो संकट काल में भी मन को स्थिर रखता है और स्थिर मन में आगे का निर्णय लेता है, वैसे कार्य करता है। वसुदेव जानते हैं कि किसी भी कीमत पर वो कंस का वध नहीं कर सकते। युद्ध में कंस बहुत भयंकर बलशाली था, नवविवाहित बहु सामने है, उसका वध हो सकता है किसी भी क्षण। उसने अगर उसी क्षण अगर नहीं पकड़ लिया होता तो उसकी तलवार देवकी के गर्दन को काट चुकी होती। बड़ी तत्परता से उसके हाथ को पकड़ा उसने और बड़ी शांति से क्रोध न करते हुए वसुदेव ने कंस को सिद्धांत समझाया कि तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, तुमने बड़े बड़े राक्षसों को अपने वश में कर लिया है। जब पुतना स्त्री राक्षसी तुम्हारे सामने आई थी तुमने उसको युद्ध करने के लिए मना किया क्योंकि तुम स्त्री हो और उसको बहन बना लिया तुमने, और आज अपनी जो सच्ची बहन है और वो भी उसके विवाह के दिन उस अबला के गर्दन काटने को आप तैयार हैं, या आपको शोभा नहीं देता, या आपके कीर्ति को कलंक लगाएगा। लेकिन कंस को ये बात समझ में नहीं आई। फिर उस बांके प्रसंग में वो देख रहे हैं कंस को, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, मैं जो संतुलित मन से उनको समझा रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है उसको, अभी भी मेरे पत्नी का वध हो सकता है। फिर उसने सोचकर उसी समय पर, सोचने के लिए 10 मिनट नहीं है, 15 मिनट नहीं है उसके पास, एक ही क्षण में उन्होंने निर्णय लिया।
कि अब मैं व्यवहार की बात करूंगा, इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। हाँ, उस समय जो जरूरी है वो तत्काल करना बहुत आवश्यक है। कहा कि देखिए, आपको मेरी पत्नी से, आपके बहन से कोई भय नहीं है, आपको भय है आठवें बालक से। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं हर बालक को आपको सुपुर्द करूँगा। अभी ये बात अगर किसी और व्यक्ति ने कही होती तो कंस नहीं मानता उसको, लेकिन क्योंकि ये बात वसुदेव जी कर रहे हैं, कंस ने इस बात को तुरंत स्वीकार किया, क्योंकि वसुदेव की पहले से ही ख्याति थी कि वो सत्यवचनी थे। सत्यवचनी बहुत लोग होते हैं, सुख काल में सत्यवचनी रहना, बनाए रखना अपने आप को सत्यवचनी रूप में बड़ा आसान है, लेकिन जब बांका प्रसंग आता है जिसमें खुद का बहुत नुकसान होने की संभावना है, उस समय भी अपने वचन को बनाए रखना, अपने हानि को स्वीकार करते हुए अपने सत्य वचन को बनाए रखना, ये बड़ी बात है। इसी को महानता कहते हैं। तो इस बात पर, क्योंकि वसुदेव ने कहा, ऐसे श्रेष्ठ चरित्र के व्यक्ति ने कहा, कंस उतर गया, तलवार म्यान कर दी, बाल छोड़ दिया, चला गया। ये भी चुपचाप बारात घर पहुंच गई, वाद्य वृंद सब बंद हो गए, यथावकाश पहला बालक हुआ। देखिए वसुदेव का चरित्र देखिए, तत्क्षण वो बालक का नामकरण करके, दुग्धपान करके कंस के पास दरबार में लेके आए। कंस भी भौंचक्का रह गया, अरे ये क्या सत्यवादी स्वरूप है इसका, अपने बालक की हत्या होने की पूरी संभावना है, फिर भी अपने वचन को नहीं त्याग रहा है। कंस भी, राक्षस भी प्रभावित हो गया। सोचो वसुदेव का चरित्र जो है वो एक गलत चरित्र के व्यक्ति को भी प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि उसकी सद्भावना जो है ना वो सरलता पर आधारित है, जेन्युइन फीलिंग है उसकी, वो उसके हृदय का स्वभाव है। तो राक्षस को प्रभावित कर गया। कंस ने कहा, भाई तुम इतने बड़े सत्यवादी हो, मैं तो प्रभावित हो गया, जाओ, इस बालक को मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे इससे कोई भय नहीं है। घर ले गया, नारद जी आए, सब मामला उल्टा हो गया, वापस कारागृह में डाला गया, हर एक बालक को आंखों के सामने पीस दिया गया। वसुदेव जी ने कैसे अपने पत्नी को समझाया होगा, कैसे सांत्वना दी होगी, कौन से शब्द उच्चारण किए होंगे, कल्पना नहीं कर सकते हम। लेकिन दोनों में एक निश्चय था कि अगर भगवान को आना है तो हम दोनों के ही माध्यम से आना है, और हमें ये सेवा करती रहनी पड़ेगी। जब सेवा सुलभ होती है, सेवा में शाबाशी मिलती है, वाह वाह मिलती है, तो सब लोग सेवा कर सकते हैं। लेकिन सेवा में कोई वाह वाह करने वाला नहीं है, शाबाशी देने वाला नहीं है, सराहना करने वाला नहीं है, उल्टा उसमें भयंकर कष्ट होने वाले हैं, हृदय विदीर्ण होने वाला है, भावना चकनाचूर होने वाली है। उस सेवा को भी करते रहना, इसको समर्पण कहते हैं, और वसुदेव और देवकी इस समर्पण के मूर्तिमान प्रतीक हैं। फिर यथावकाश कृष्ण भगवान अवतरित होते हैं। कृष्ण भगवान के अवतरित होते ही सारा भय नष्ट हो जाता है। प्रणाम करते हैं, भगवान उनको याद दिलाते हैं कि पहले भी आप दोनों आए थे पृष्णी और सुतपा के रूप में, तब मैं पृष्णी गर्भ के रूप में आया था, उसके बाद कश्यप और अदिति के रूप में आप मेरे माता पिता थे, और मैं वामन देव के रूप में आया था, अभी वही मैं तीसरी बार आप दोनों के पुत्र के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में आया हूँ, मैं वही भगवान हूँ। क्यों भगवान बार बार बता रहे हैं, क्योंकि उनको भय था कंस का, वो भय नाश करने के लिए भगवान बता रहे हैं। फिर भगवान ने आदेश दिया, वसुदेव आपको हमें तुरंत गोकुल में पहुंचाना है। फिर त्याग की भावना है यहाँ पर। वसुदेव कह सकते थे, भगवान मैं तो जेल में बंद हूँ, सात दरवाजे हैं, इधर कुछ श्रृंखला पड़ी हुई है शरीर पर, कैसे जाऊँ मैं। फिर वसुदेव ने भगवान के आदेश को सिर सावंद्य माना। जब भगवान आदेश देते हैं किसी प्रामाणिक भक्त को, तो प्रामाणिक भक्त के मन में कभी किंतु परंतु प्रश्न नहीं उठते हैं, केवल हाँ, केवल उनका स्वीकृति होती है उसके अंदर। आदेश और स्वीकृति, ये जब दोनों होता है तो वो शुद्ध भक्त का प्रमाण है, परम भक्त का प्रमाण है भगवान का। ये तो नित्य सिद्ध भक्त है भगवान के, इनके चरित्र कितने प्रेरणादायी हैं। तो इतनी प्रतिकूल स्थिति थी बाहर निकलने के लिए, लेकिन तुरंत निकल पड़े वो, और क्योंकि वो
भगवान की इच्छा को और आदेश को पूर्ण करने के लिए बिल्कुल समर्पित थे, उसके प्रतिसाद में योग माया ने क्या किया, सब पहरेदारों को सुला दिया, निद्रिस्त कर दिया, सारी श्रृंखलाएं गिर गई दोनों की, दरवाजे खुल गए, ताले खुल गए बिना चाबी के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दरवाजे अपने आप खुल गए। अच्छा, यहाँ तक आ गए, बाहर देखा तो घन घोर वर्षा हो रही है, यमुना बाढ़ आ रही, यमुना को इतनी उछाल रही, इतनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं। तो वसुदेव जी कह सकते थे कि अभी जाना मुमकिन नहीं है, इतनी कष्ट में कैसे जाएंगे, बालक मर सकता है, नदी में डूब सकता है। लेकिन जब भगवान का आदेश होता है, तो हमने संतों से सुना है कि भगवान का आदेश होने पर भगवान, जो व्यक्ति आदेश को पालन करने की तैयारी रखता है, उसको आदेश की पूर्ति का बल भी भगवान देते हैं, वो निश्चय भी देते हैं, वो संयम भी देते हैं, वो शक्ति भी देते हैं उसको। तो ये थे पूरे सुदृढ़ निश्चय हैं। अभी आप देख रहे हैं जमुना किनारे में रेत में बीच रात का अंधेरा है, नंबर वन घनघोर अंधेरा है, उसके अंदर इतने घने बादल छाए हुए हैं, बिजलियाँ कड़क रही हैं, गड़गड़ाहट हो रही है बादलों की, घन घोर वर्षा बह रही है आकाश से, और यमुना उछाल रही है। भाई वो तो एक सैद्धांतिक बात है, उन यमुना जी तो भगवान का इंतजार कर रही थी, उनके चरण छूने के लिए बहुत आनंद से उछाल रही थी कि मेरे प्रभु का अवतरण हुआ है, जैसे वादा किया था वैसे हो गया, आज वो सुदिन आ गया है। तो यमुना जी आनंद को मना रही है, लेकिन भौतिक दृष्टि से, वसुदेव की दृष्टि से देखा जाए तो एक प्रतिकूल स्थिति थी। मन में सहज उत्तर आएगा कि नहीं जा सकते, ऐसे वातावरण में कोई नाभिक खड़ा नहीं है वहाँ पर, बोट लेकर, नाव लेकर खड़ा नहीं है कि वे ले जाएगा। आगे चलते रहे, वो चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। एक विशेष बात समझ में आती है इसमें, जैसे ही वो निकले वहाँ से, तो अनंत शेष ने उनको छत्र छाया दे दी। आचार्य बताते हैं कि जब हम श्री कृष्ण को स्वीकार करते हैं, उनको अपना बना लेते हैं, अपना इष्ट बना लेते हैं, और उनकी सेवा में अपने आप को समर्पित करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पीछे बलदेव जी सुरक्षा प्रदान करते हैं। वसुदेव जी को पता नहीं है मुझे कौन रक्षा दे रहा है, लेकिन बलदेव जी स्वतः ही ऐसे भक्त के पीछे पीछे रक्षा के लिए दौड़ते हैं। इसलिए हम देखते हैं वसुदेव जी हाथ में हैं, कोई चित्रपट में टोकरी में हैं, पीछे शेषनाग अपने हजार पन्नों के साथ उनको रक्षण दे रहे हैं, और फिर वो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, अभी नामुमकिन स्थिति है, लेकिन फिर भी जा रहे हैं, नाव नहीं है, नाभिक नहीं है, कोई है नहीं वहाँ पर, रात का समय है, बहुत प्रतिकूल समय, संकट वाला समय है, कोई साथ ही नहीं है, बस कृष्ण का आदेश एक ही साथ में है, कृष्ण साथ में है, उनका आदेश साथ में है। क्या होता है, और एक संकट आता है, आगे जाते हैं, फिर एड़ी तक, फिर घुटने तक, फिर कमर तक, फिर छाती तक पानी आता है, फिर भी आगे जा रहे हैं, फिर नाक तक पानी आता है, बीच में ठाकुर जी कृष्ण भगवान जल में गिर जाते हैं। कितना बड़ा संकट है, देखिए आप, जिस बालक को ले जाना है, अभी भी नवजात शिशु है वो, यमुना जी में कूद गए भगवान, वो तो अलग लीला है, भगवान यमुना जी को अपना अंग संग देना चाहते थे, ये उसका दिव्य अर्थ है, लेकिन वसुदेव को पिता के लिए क्या अर्थ है उसका, मेरा बालक गिर गया, तो चिल्ला रहे कोई लो मेरे लाला को, कोई लो कोई लो। परंतु यमुना जी रास्ता दे दिया। देखो, जब हम सेवा में दृढ़ निश्चयी होते हैं और संकट के ऊपर संकट आते हैं, उस संकट से भी हमारे दृढ़ निश्चयी स्वभाव से रास्ता निकल जाता है। रास्ता तब निकलता है जब हम पूरा समर्पण दिखाते हैं, दृढ़ निश्चय प्रकट करते हैं। वसुदेव जी ने इस पूरे प्रतिकूल स्थिति में कभी भी अपने निश्चय को कमज़ोर नहीं होने दिया, अपने निर्णय को कि मुझे जाना है, उसको छोड़ नहीं दिया। इसलिए जो अनहोनी थी, जो नामुमकिन था, वो हुआ। इतने बड़े बाढ़ वाले नदी में रास्ता मिलना नामुमकिन था, लेकिन ये चमत्कार भगवान की कृपा से हो सकता है। अगर भक्त अपने सेवा के निश्चय में बना रहेगा तो ये चमत्कार हो सकता है। मानो वो जमीन पर चल रहे हैं, यमुना जी ऐसे दुभाजित हो गई, रास्ता तर बन गया, हाँ, ऊपर छत्र छाया तो थी ही अनंत शेष की, आराम से चल के गए, जो नामुमकिन था, जो कष्टमय था, जो होना ही मुश्किल था, वो आसानी से
तार पार हो गए जमुना जी के। फिर उसके बाद में वो भवन में चले गए, तो भवन में चले गए तो उधर योग माया के प्रभाव से सब लोग निद्रिस्त हैं, हर एक व्यक्ति निद्रिस्त हैं। अभी वसुदेव जी मर्यादा में रहने वाले पुरुष हैं, सुसंस्कृत पुरुष हैं, कभी भी वो किसी भी पराय स्त्री के सूतिका गृह में या अंतपुर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर बालक को लेकर यशोदा भी अपने महल में नहीं थी, वो सूतिका गृह में थी, यानी कि बहुत ही कैसे एक प्राइवेट जगह होती है ना, अंत कक्ष कहते हैं उसको, उसमें थी वो। लेकिन वसुदेव जी बालक को लेकर सीधे अंतपुर में प्रवेश कर रहे हैं, क्यों किया? भगवान के आदेश है इसलिए किया, अपने आनंद के लिए नहीं किया, अपने कुतूहल के लिए नहीं किया, भगवान का आदेश था यशोदा के गोद में जो बाल कन्या है उसको आपको लेकर आना है, इस बालक को छोड़ के आना है। तो मर्यादा कैसे पालन की जाती है और मर्यादा व्यतिक्रम भी कब किया जाता है, इसका प्रमाण वसुदेव ने दिया है। तो हमें बहुत कुछ सीखना है वसुदेव से, वसुदेव का आज्ञा पालन, उनकी शरणागति, उनका दृढ़ निश्चय, उनका सेवा करते रहने का निर्णय, ये बहुत प्रेरणादायी है। इसलिए हम सब लोग वसुदेव के ऋणी हैं, क्योंकि उन्हें हर कदम पर हर विकट प्रतिकूल स्थिति में कैसे आदर्श रूप में सेवा की जाती है उसका एक प्रमाण दिया है। इसलिए आज हमारे लिए कृष्ण हैं, यशोदा को कृष्ण प्राप्त हुए, गोकुल में कृष्ण प्राप्त हुए, ब्रजवासियों को प्राप्त हुए, उसमें वसुदेव और उनकी पत्नी देवदी का आदर्श चरित्र उसके लिए कारणीभूत हैं। आइए हम जन्माष्टमी मनाने के इस शुभ अवसर पर वसुदेव और देवकी दोनों को धन्यवाद दें और उन्होंने जो अपने जीवन में शिक्षाएं प्रदान की हैं उसको समझें और अपने जीवन में उसको उतारें। हरे कृष्णा।